कितने सारे प्रॉब्लम्स लोगों की जिंदगी में चलते हैं धागा बांधे हुए, अरे धागा खराब हो रहा है, टूट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, हाँ, और तावीज पहना हुआ है, अभी बोले तावीज वहां रह गया मेरा, पता नहीं क्या होने वाला है मेरा। मन अल्लाका तमीमतन फकद अशरका, जिसने तावीज तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मन ताल्लका शैयन फकद बुखिला इलैही, जो कोई चीज लटकाता है उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है, उसका भरोसा होने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कुरान वाला तावीज लटका सकते हैं, बाकी तावीज लटकाए तो शिर्क किया। इसमें फर्क नहीं किया कि तावीज लटकाया तो शिर्क किया, यहां ये होता है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, आप सबके सामने एक बेसिक दावत है। दावत क्या है? अपने अकीदे और ईमान में ये चीज जिंदगी भर के लिए बना लो। अपने ही नहीं, घर वाले, बच्चे, दोस्त, अहबाब, किसको बता सकते हो बताओ, कि ये कहना कि अच्छा बुरा सिर्फ अल्लाह के हाथ में, बनाने वाला भी वही है, मालिक भी वही है, चलाने वाला भी वही है, जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा, रिस्क, औलाद, सब चीज उसी के हाथ में, उसी के ऊपर हमारा ईमान है, उसी के हाथ में सब कुछ है, एक के हाथ में सब कुछ है, बाकी सब मखलूक है, वो खालिक है, बाकी सब का मालिक वही है, खिलाने वाला है, उसे खाने की कोई जरूरत नहीं, उसे ना नींद की जरूरत है, उसे ना आराम की जरूरत है। ये पहचानना कि किस जात पर हमने अपने ईमान रखा है।